शीट नंबर 40 में क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट लास्ट पार्ट में व्हाट इज सेकंड ओके क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी गिवन डिस्क्राइब द सर्कुलर पाथ इन अ प्लेन एट राइट एंगल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है. पहली बात तो ये, किसी भी साइक्लोटोन में पार्टिकल पॉजिटिव कैसे घूमता है ना, सर्कल. जो सर्कल है उसमें रेडियस क्या होता है, एम वी डिवाइडेड बाय बी क्यू. अब आपको इस क्वेश्चन में ये क्या गिवन है, एनर्जी गिवन है. या तो इसको काइनेटिक एनर्जी मान लो, और मैंने आपको रेडियस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी समझाया है वो लगा दो. यह एक और तरीका है, क्योंकि इसमें 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं 10,000 वोल्ट पोटेंशियल एक इलेक्ट्रॉन को दूं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी. यानी कि आपने पोटेंशियल कितना दिया, 10,000 वोल्ट. तो इन शॉर्ट आपको वी गिवन है. तो आप फॉर्मूला यूज कर लें, अंडर रूट ऑफ क्या था, 2 वी की फॉर्म में एम क्यू वी डिवाइडेड बाय बी क्यू. ये पहला आंसर आ गया. वी को 10,000 पुट कर लेना. नेक्स्ट है साइक्लोटोन की फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई एम बाई बी क्यू. तो फ्रीक्वेंसी होगी बी क्यू बाई 2 एम, 2 पाई एम. वॉट इज द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, 2 पाई एम बाई बी क्यू. वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ रेवोल्यूशन एज व्यूड बाई एन ऑब्जर्वर लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. डायरेक्शन ऑफ द फील्ड कहाँ होता है साइक्लोटोन में, ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ. अगर एक प्रोटोन नीचे रखें पॉजिटिव चार्ज, तो वह ऐसे घूमता था, याद करो लास्ट टाइम बताया था, ऐसे डी में ऐसे घूमता था, राइट. पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा. और जब मैं टॉप से ऐसे देख रहा हूं, तो मुझे कैसे दिख रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज. ठीक, क्लियर है यहां तक. क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, 3 में डाउट, यस सर. 3 में मैं बताता हूं क्या चक्कर है इसमें. साइक्लोटोन हैज एन ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी गिवन है तो यहाँ से टाइम पीरियड तो आई जाएगा रेसिप्रोकल करके. और रेडियस भी गिवन है. कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट न्यूट्रॉन ऑफ मास गिवन एंड चार्ज गिवन. तो आपको क्या निकालना है, बी बताना है. देखो जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई एम बाय बी क्यू. तो आप रेसिप्रोकल करके टाइम पीरियड निकाल लिया, मास पता है, बी पता है, बी निकालना है और यहाँ से क्यू की वैल्यू को पुट करके बी आ जाएगा. मुझे आंसर पता नहीं है बट मेथड यही लगेगा. अब इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन एमर्जिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन. तो एमर्जिंग का मतलब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और जो कि क्या होगी, मैक्सिमम, मैक्सिमम. रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी बाय बी क्यू. तो वी क्या है, वी मैक्स. आर क्या है, आर मैक्स. तो वी मैक्स की वैल्यू क्या है, बी क्यू आर मैक्स डिवाइडेड बाय. इसको यहां पुट करेंगे, हाफ इंटू एम इंटू बी क्यू आर मैक्स डिवाइडेड बाय एम का होल स्क्वायर. निकालने का आंसर आ जाएगा इसमें. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4. इतनी लंबी क्या क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव में भी नहीं, थोड़ी वैल्यूज छोटी आती हैं, इतनी बड़ी नहीं आएंगी. इस क्वेश्चन में एक डाउट है, डाउट ये है, टाइम पीरियड का सॉल्यूशन जो है वो पाई एम बाई बी क्यू से आया हुआ है, जबकि मैंने आपको ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी 2 पाई एम बाई बी क्यू लिखवाई थी नोट्स में. मैंने कहा था कि एक ऑसिलेटर जो का जो टाइम पीरियड होता है साइक्लोट्रोन में 2 पाई एम बाई बी क्यू होता है, कि एक इलेक्ट्रॉन पूरा चक्कर जब काटता है. टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है ऑसिलेटर का, इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिवर्स फिर एक द्वारा. तो यहाँ पे एक डी कवर दूसरी डी कवर, तो यानी कि 2 पाई एम बाई बी क्यू. उसने ये नहीं पूछा ऑसिलेटर का टाइम पीरियड बताओ, उसने ये पूछा कि ये बताओ हाउ रेपिडली, हाउ रेपिडली का मतलब आपको क्या निकालना होता है, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी. शुड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द डीज बी रिवर्स्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इधर है, रिवर्स करने का मतलब इधर है. तो जब इधर से इधर हुआ
तो डी में एक ही चक्कर पूरा हुआ, बस आधा चक्कर, सेमी सर्कल, क्योंकि यहां यहां और यहां दो बार रिवर्स करने का मतलब ऑसिलेटर का टाइम पीरियड है, पर एक बार रिवर्स करने का मतलब हाफ द टाइम पीरियड। तो इसलिए ये न्यूमेरिकल में जो टाइम पीरियड है वहां पर 2 पाई एम बाई बी क्यू यूज नहीं हुआ, यहां पर सिर्फ पाई एम बाई बी क्यू यूज हुआ। समझ में आ रहा है? और अगर कंफ्यूजन है सब्जेक्टिव में तो एक काम करो, अगर तुम ये पूछता है ऑसिलेटर का टाइम पीरियड क्या है तो 2 पाई एम बाई बी क्यू, अगर वो ये पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स हुआ उसका समय कितना है तो सिर्फ पाई एम बाई बी क्यू, क्योंकि आधे टाइम में वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर लेता है। देखो आंसर पाई एम बाई बी क्यू के साथ क्या बना है? हाँ मैं बता रहा हूं, उसने क्या किया, उसने दोनों चीजें निकाल ली हैं। ये देखो उसने दोनों चीजें निकाल ली हैं इसमें, कि पहले उसने कहा कि जो टाइम पीरियड है वो स्मॉल टी इसके इक्वल है, फिर उसने क्या कहा कि डायरेक्शन इतनी देर में रिवर्स हो रही है, इतनी देर में रिवर्स होके अप्लाइड फ्रिक्वेंसी में 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया बाद में। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, वो कितने समय में हो रहा है वो टी बाई टू होगा, पर ऑसिलेटर का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का मतलब कोई चीज अपने आप को कब रिपीट करती है। अब रिपीट करती है, रिपीट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो राइट है, लेफ्ट होके राइट आ गया, तो आंसर नो डाउट ऑसिलेटर का टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई बी के साथ ही होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर यहाँ कन्फ्यूजन है तो वो दो पार्ट्स में क्वेश्चन सॉल्व करता है। रिवर्स के अंदर वो क्या करता है, वो कहता है जी पहले तो 1 डी का टाइम पीरियड लेगा सिर्फ, पर आप इसमें कैपिटल टी 2 पाई एम बाई बी क्यू के साथ करना, क्योंकि ऑसिलेटर का टाइम पीरियड में जो रिवर्स मानना चाहता है वो यही मानना चाहता है, टाइम पीरियड का मतलब कोई चीज कब रिपीट होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1, 2 और 3 फिर रिपीट हो जाएगी, तो 2 पाई एम बाई बी क्यू के साथ अपना आंसर सॉल्व करें। मेरे ख्याल से आंसर 2 पाई एम बाई बी क्यू के साथ ही है, और मैंने नोट में भी लिखवा दिया था लास्ट टाइम कि ऑसिलेटर का जब इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स करता है उसका टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई बी क्यू ही है, राइट? पर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि इसमें कैसे करना है। ठीक,